नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें आज मैं दिखाऊंगा आप लोग को वो क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट। यह परीक्षण WT MC आर्डल तथा साथियों ने 1972 में बनाया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रॉस बॉयस स्टेप्स 9 है, ठीक है, जिसको सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस मापता है। मल्टी स्टेज शटल रन, ये सभी में होता है शटल रन, तो इसको भी सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस के लिए साथ साथ एजिलिटी भी मापता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है VO2 मैक्स गैस एनालाइजर, इसका क्वेश्चन आता है। यह उपकरण VO2 मैक्स मापता है, ठीक है। VO2 मैक्स क्या होता है उसको आगे पढ़ेंगे। मैक्स मैक्सिमम कंपेशन ऑफ ऑक्सीजन, अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता, कंजम्पशन होना चाहिए। मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस एज कर देना है, वेरी इजी है, ठीक है। VO2 मैक्स का देख, इक्विपमेंट बाइसिकल इक्विपमेंट होना चाहिए, बाइसिकल एर्गोमीटर। तो VO2 मैक्स एक व्यक्ति की अभ्यास के दौरान जब अधिकतम हृदय दर हो जाए उस दौरान एक मिनट में जितनी ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है उसे हम उसका VO2 मैक्स कहते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसको दिया गया है, इसका पूरा समझाया गया है, बाकी का नहीं दिया था। एक बार फिर से देखते हैं कि VO2 मैक्स एक व्यक्ति की अभ्यास के दौरान, ठीक है, जब अधिकतम हृदय दर हो जाए उस दौरान एक मिनट में जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करता है, अंदर लेता है, इनहेल करता है, की जाती है उसे हम उसका VO2 मैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रशिक्षण के दौरान होने वाला है। इसके लिए बाइसिकल एर्गोमीटर या ट्रेडमिल नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतम हृदय गति मापने हेतु किया जाता है तथा ग्रहित की गई ऑक्सीजन को की मात्रा को नापने के लिए VO2 गैस एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है, ओके। चलिए 12वां देखते हैं, पेसर 20 mm शटल रन। तो इसमें सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस मापता है। एस्ट्रैंड रैमिंग सब मैक्सिमल एरोबिक टेस्टिंग होता है, 1954 में इसको बनाया गया था। यूज ऑफ स्टेपिंग एक्सरसाइज कॉटन्स सब मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट है, ये भी 1971। वॉकिंग रनिंग एंड स्विमिंग एरोबिक टेस्टिंग वेल्च 1978 में हुआ था। और 16 है 12 मिनट स्विमिंग यानी 12 मिनट साइकिलिंग, यह दोनों परीक्षण कैनेथ एच कूपर ने 1982 में सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता मापने के लिए बनाया गया, ठीक है। सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता मतलब एरोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन युक्त, एनारोबिक मतलब क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कम या नहीं बोल दिया जाता है, वो बहुत कम मात्रा होती है। चलिए अब देखते हैं 70 नंबर में है ट्रेडमिल मेथड मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट। इसमें मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट देखा जाता है जिसका 4 और डिवाइड किया गया है। माइकल स्प्रॉल चैपमैन मेथड 1957, सेल्टिन एंड एस्ट्रेंड 1967, ब्रूस एटली 1973, ब्रूसली हैं। द चायो स्टेट यूनिवर्सिटी मेथड फॉक्स 1975, फॉक्स एटल 1993। फिर 18 है बाइसिकल एर्गोमीटर मेथड मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट
कंटिन्यूस लोडिंग मेथड एमसी आर्डल 1973, स्टेपिंग मेथड कैच एट एल 1965 नंबर है मास्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट। मास्कुलर इंड्योरेंस तो 19 टेस्ट हो गए। स्टैटिक और आइसोमेट्रिक मसल इंड्योरेंस टेस्ट को मापता है। अब देखते हैं स्टैटिक आइसोमेट्रिक मस्कुलर टेस्ट। फ्लेक्स आर्म हैंग आर्म एंड शोल्डर मसल को का इंड्योरेंस को, रिपीटेटिव आइसोमेट्रिक मस्कुलर एंड्योरेंस, ग्रिप डायनेमोमीटर मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट इन अ रिपीटेटिव मैनर, डायनेमिक और आइसोटोनिक मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट, बेंट नी सीटअप्स एब्डोमिनल एंड एंड्योरेंस प्रेस अप टेस्ट, लचकता फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या क्या होता है, सीट एंड रीच टेस्ट, सेकंड टीची टेस्ट, शोल्डर एंड रिस्ट एलिवेशन टेस्ट, साइड स्प्लिट टेस्ट, ब्रिज अप टेस्ट, गोनियोमीटर टेस्ट एंड फ्लेक्सोमीटर टेस्ट। ये लचकता के लिए होता है, इतना को याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं हम लोग। सीट एंड रीच, गोनियोमीटर जो इम्पोर्टेंट है इसमें से, फ्लेक्सोमीटर, शोल्डर एंड रिस्ट एलिवेशन टेस्ट, ये सब चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी में होता है। उसके बाद होता है बॉडी कंपोजिशन टेस्ट। ये ऊपर में गलत दिखाया था ना, पीछे छूट गया था यहाँ पर, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन बीएमआई टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानते होंगे, 11-12 सभी में रहता है ये। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बॉडी वेट इन केजी, बॉडी का वेट जो होता है केजी में होता है, बॉडी हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। बॉडी की हाइट को सेंटीमीटर में लेना है, और इसमें नहीं लिखा है, मीटर लिख दिया है, हाँ मतलब मीटर में लिखना है और इनटू करना है उसको डबल, अर्थात मेरा वेट है अभी मान के चलिए 55, ऊपर में 55 केजी अपॉन मेरा हाइट है मान के चलिए 165 या 67 है जैसे कि, तो मैं 65 मान के चलता हूँ 65, तो 1.65 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे ऊपर के वेट से, तो जो आएगा उसमें कुछ कुछ आपका बॉडी मास इंडेक्स का एक माप है, जिसमें स्टार्टिंग है जिसमें 18 से जो 24 तक का जो होता है वो आपका स्वास्थ्य जो है ओबेसिटी में नहीं आता, ओबेसिटी मोटापा के लिए ये चीज़ मापने के लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्किन फोल्ड मेज़रमेंट और बहुत सारे हैं, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद आगे वैसे बढ़ते जाएगा, और ओबेसिटी जो है 30 में ओबेसिटी मध्यम, उसके बाद और बढ़ते जाता है ओबेसिटी आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्किन फोल्ड मेज़रमेंट हो गए टेस्ट, स्किन बोल्ड नहीं है, फोल्ड कैलिपर्स होगा, स्किन फोल्ड सब गलत सलत लिखा है। एक्सप्लोसिव और टेस्ट नेक्स्ट है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब कामक, ठीक है। एथलेटिक पावर टेस्ट है, और एथलेटिक पावर टेस्ट में क्या है आपका, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, स्ट्रेंथ जंप और वर्टिकल आर्म पुलअप्स, मेडिकल बॉल थ्रो, ये उल्टा पुल्टा कैसे लिखा है, आई बी डी टू वर्टिकल, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। एक्सप्लोजिव पावर टेस्ट में होता है, चलिए एथलेटिक पावर टेस्ट, एथलेटिक पावर टेस्ट में होता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप और
सार्जेंट जंप, सार्जेंट जंप को ही वर्टिकल जंप बोलते हैं, बोला जाता है, लेकिन इसमें तो अलग अलग दिया है। डी होता है वर्टिकल आर्म पुल अप्स एंड मेडिकल मेडिकल बाल थ्रो, ऐसा है इसका, मैं समझ गया। अब सेकंड है वर्क पावर टेस्ट, वर्क पावर टेस्ट में है वर्टिकल पावर जंप, वर्टिकल आर्म पुल अप्स एंड मैरग्रिया एनारोबिक पावर टेस्ट। देन एजिलिटी टेस्ट है आपका, एजिलिटी टेस्ट में है पहला ए साइड स्टेपिंग, ऑब्स्टिकल रन, ऑब्स्टिकल रन इम्पोर्टेंट है, स्क्वाट थ्रस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, शटल रन एजिलिटी टेस्ट में आता है ना, यही याद रखना है कि कौन से टेस्ट में कौन सा टेस्ट होता है। शटल रन आता है एजिलिटी टेस्ट में, एल्यूशन शटल रन, सेमो एजिलिटी टेस्ट, राइट बूम बूम रेंज टेस्ट एंड डोपिंग रन टेस्ट। उसके बाद होता है बैलेंस टेस्ट, बैलेंस के लिए क्या क्या टेस्ट होता है आपका, स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक मतलब स्थिति, स्थिर कहना चाहिए स्टैटिक, डायनामिक यानी गतिशील बैलेंस टेस्ट, स्टैटिक बैलेंस टेस्ट, पहला फिर से आ गया, स्टॉक स्टैंड टेस्ट एंड बैज स्टिक टेस्ट, स्टिक यानी लकड़ी की तरह स्टैंड सीधा खड़ा होना। चलिए नेक्स्ट है लेंथ वाइज क्रॉस वाइज एंड जो लेंथ वाइज लंबाई के हिसाब से क्रॉस वाइज भी होता है। उसके बाद होता है सी में प्रोग्रेसिव इन वर्टेड बैलेंस टेस्ट, ट्रिपल बैलेंस, टिप अप बैलेंस, हेड बैलेंस, हेड में सीट के बल खड़े होना जैसे शीर्षासन करते हैं। एंड डी है लिवलोमीटर टेस्ट, लिवलोमीटर टेस्ट में डायनेमिक बैलेंस, डी है वो। उसके बाद दूसरा आ गया डायनेमिक बैलेंस टेस्ट, डायनेमिक में क्या क्या होता है, मॉडिफाइड बेस टेस्ट और डायनेमिक बैलेंस, बैलेंस्ड बैकवर्ड टेस्ट, बैलेंस बीम वॉक एंड नेल्सन बैलेंस बीम टेस्ट 1968। चलिए स्पीड टेस्ट देखते हैं, स्पीड टेस्ट में 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, फ्लाइंग स्टार्ट 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, 50 यार्ड डैश डिस्टेंस टेस्ट फॉर 4.6 सेकेंड और 8 सेकेंड, रिएक्शन टाइम देखते हैं, रिएक्शन टाइम टेस्ट क्या क्या होता है, नेल्सन हेड रिएक्शन टेस्ट, नेल्सन उनका फुट रिएक्शन टेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल हार्ट रिएक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो ऑडियोटोरी रिएक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल फुट रिएक्शन टेस्ट एंड रलर ड्रॉप टेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्टिकल टेक्टाइल हैंड रिएक्शन टाइम टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं। कोऑर्डिनेशन टेस्ट, कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, हैंड आई एंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई फुट कोऑर्डिनेशन टेस्ट, अपर लिंब कोऑर्डिनेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं। मोटर के लिए क्या क्या है, मोटर एड्यू कैपेबिलिटी टेस्ट, आई ओ डब्ल्यू ए ब्रेस टेस्ट, यह परीक्षण डेविड के ब्रेस ने 1927 में मोटर आर एड्यू कैपेबिलिटी मापने के लिए बनाया था, इसमें 20 स्टेटस को अपनाया गया। मैथनी जॉनसन टेस्ट, यह परीक्षण ग्रैनविल बी जॉनसन ने 1932 में मोटर एडू कैपेबिलिटी के अंतर्गत नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मापने के लिए बनाया, जिसमें 10 स्टंट्स को शामिल किया। सन 1938 में एलेनोर मैथनी ने इसको मॉडिफाई किया और इसे 4 स्टंट्स को शामिल किया। एडम्स स्पॉट टाइप टेस्ट, ऑथर एंड एडम्स ने यह परीक्षण 1954 में मोटर एडुकेबिलिटी को मापने के लिए बनाया, जिसमें 4 टेस्ट आइटम्स को शामिल किया गया। पहला था वॉल वरी टेस्ट, दूसरा लेइंग टेनिस बॉल कैच, बॉल बाउंस टेस्ट, बास्केटबॉल शूटिंग टेस्ट।
चलिए अब आता है स्किल टेस्ट। पहला है सॉकर टेस्ट, तो सॉकर टेस्ट है। अब स्किल टेस्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पूरी, जो स्किल टेस्ट है अभी हम लोग देख लिए, एक बार रिवाइज करते जाते हैं। मोटर कैपेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन टेस्ट, रिएक्शन टाइम, स्पीड टेस्ट और बैलेंस टेस्ट, एजिलिटी टेस्ट, एक्सप्लोसिव पावर टेस्ट, बॉडी कंपोजिशन टेस्ट एंड डायनेमिक और आइसोटोनिक मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट, स्टैटिक एंड और आइसोमेट्रिक मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम लोग ने देखे हैं। और इसके अलावा मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट, बाइसिकल मोड, एर्गोमीटर, ट्रेडमिल, ये सब चीज़ है। स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक नहीं आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।